नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर के बस स्टैंड की हालत जर्जर हुई पड़ी है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो हर बस स्टैंड की हालत ठीक करवाएंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। बस स्टैंड पर बैठने के लिए सीट नहीं है और पूरी तरह से आया नगर का बस स्टैंड की हालत खराब हुई पड़ी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बस स्टैंड के पास में ही गंदा नाला बहता है, जिसके कारण लोगों को यहां पर खड़ा रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास तिवारी की ये रिपोर्ट। इस समय हम आया नगर के बस स्टैंड में हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि आया नगर के बस स्टैंड की हालत कितनी खस्ता हुई पड़ी है। देखेंगे पूरी तरह से ये आया नगर की बस स्टैंड टूटी हुई है, एक तरफ झुकी हुई है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार नए चमचमाते बस स्टैंड बना रही है, वहीं आया नगर के बस स्टैंड को भूलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी साल पुराना ये बस स्टैंड, देखें किस तरह से यहां पर स्टैंड में पूरी गंदगी ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और साथ ही इस बस स्टैंड पूरी तरह से टूटा हुआ, ऊपर से चद्दरें टूटी हुई है। वहीं मानसून ने जहां दस्तक दे दी है, वहीं बरसात में स्थान यहां पे राहगीरों को आने में वो साथ ही बैठने के लिए भी कोई यहां पे सीटें नहीं है। साथ ही देखेंगे यहां पर कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, जिससे कि यहां पे कोई भी लोग, और साथ ही कितनी गंदगी यहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि यहां पे राजधानी दिल्ली में इस स्टैंड को भूलती हुई नज़र आ रही है। प्रशासन की साफ साफ लापरवाही दिखती हुई नज़र आ रही है। ना ही यहाँ पे बैठने के लिए स्थान है, ना ही यहाँ पर कोई गिर खड़े हो सकते हैं, जिसके कारण देखेंगे पूरी तरह से चारों तरफ से ये स्टैंड खस्ता हुई पड़ी है। काफ़ी लकड़ियों का भी इस स्टैंड के ऊपर अंबार लगा हुआ है और चारों तरफ से स्टैंड में के पास गंदगी ही गंदगी, गंदी बदबू से यहाँ पे स्टैंड पे कोई भी स्थानीय लोग या कोई भी राहगीर यहाँ पे खड़ा होने का नहीं देखेंगे। देखेंगे ठीक पीछे मेरे पीछे बस स्टैंड है, वहाँ पे भी कुछ राहगीर खड़े हैं कुछ बस का इंतज़ार करते हुए। साथ ही मानसून ने भी दस्तक दे दी है, बारिश का भी टाइम जारी है और लगातार बारिश भी होती हुई नज़र आ रही है। पर इस स्टैंड की हालत पूरी खस्ता होने के कारण यहाँ पे लोग बाग खड़े भी नहीं हो पा रहे। साथ ही यहाँ पे साइड से नाला जा रहा है, जिसके कारण और भी यहाँ पे बदबू आती है, जिसके कारण यहाँ पे राहगीर भी खड़े नहीं हो पाते। साथ ही देखेंगे आया नगर का टर्मिनल का बस स्टैंड है, पूरी तरह से टूटा होने के कारण साथ ही देखेंगे कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, पत्थरें बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की साफ साफ लापरवाही नज़र आ रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार चमचमाते बस स्टैंड लगा रहे हैं, वहीं काफ़ी साल पुराना ये लोहे का बस स्टैंड अब तक यहाँ पे है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस आया नगर के बस स्टैंड को भूलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, मैं विकास तिवारी, दिल्ली।